as shown in the variation of the magnetic field B along the line is given by. हाँ तो उसमें क्या देखना है भाई, आपने बोला कि सर ये इसका आंसर गलत दे रखा है। अच्छा ऐसा है क्या? सर इसका आंसर बी होना है लेकिन आंसर ए दे रखा है। आंसर बी होना है बट आंसर कैसा दे रखा है? ए यस सर, चलो डीटीसी देख में लेते तो हैं। बी दे रखा था बट टेस्ट में ए दे रखा है। चलो चलो विल सी। आपको जो एक यहाँ नहीं रखा है और एक यहाँ है, एक डिस्टेंस है डी और एक डिस्टेंस है डी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। इसकी वजह से यहाँ नीचे की तरफ होगी और यहाँ ऊपर की तरफ होगी। आप बोलते हो कि सर यहाँ कहीं सेंटर में रॉड कैंसिल आउट हो रही होगी, तो सेंटर में कहीं ना कहीं जीरो हो रही होगी, ठीक है? और इसके क्लोज ऑल्सो सेमीफाइनाइट होगी, तो ये ऐसे कुछ होगा। ये आंसर होना चाहिए आई थिंक ये। कौन सा ऑप्शन है ये? सर ये बी ऑप्शन था। ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो क्या? डीपीपी और क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन से आ रहे हैं क्या? यस सर, डीपीपी में मेरा सही गया था लेकिन टेस्ट में गलत कर दिया। ये वाला ऑप्शन डीपीपी में सही था, ये वाला जो गिवन है आपके सामने? सर डीपी में, यस सर। डीपीपी में ये वाला सही था जो आपने कराया है। चलो चलो चलो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, आई विल क्रॉस चेक वंस। चलो और कोई क्वेश्चन? मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा। आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते नहीं, मैं बोल देता हूँ फिर मैं कैसे बात कर पाऊंगा ना। सर इस वाले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है? क्या दिक्कत हो गया? इफ अ चार्ज पार्टिकल गिव्स गोज अन एक्सेलरेटेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ई मस्ट बी सर पैरेलल टू बी। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो? सर बी होगा ना। B must be perpendicular to E. B must be perpendicular to B and E must be perpendicular to BB. हाँ तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या करूँ मैं, मतलब समझ में नहीं आया आपका डाउट क्या है? करेक्ट। सर जो आपने एक वेलोसिटी सिलेक्टर का बुक कराया था टॉपिक, सर उसके हिसाब से तो डी होना चाहिए ना। उसके हिसाब से D होना चाहिए। वो एक केस था, आपने बोला कि सर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपका पार्टिकल अनएक्सीलेटेड जाए, ठीक है, अगर पार्टिकल का एक्सीलेशन अनएक्सीलेटेड होना चाहिए, मतलब एक्सीलेशन जीरो हो, तो कौन कौन सी कंडीशन आपको फिलफिल हो सकती है? चार ऑप्शन की कंडीशन देख लो, एक एक करके रखना मेरे को। पहली कंडीशन, सर कंडीशन तो ओनली एक ही बन सकती है ना मेरे हिसाब से। एक सेकेंड बेटा देखने तो दो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, एक आराम से देखते हैं। आपने बोला E मस्ट बी पैरेलल टू B, देख लेते हैं E पैरेलल टू B। दूसरा क्या दे रखा है? अरे लिख तो लेते हैं ऑप्शन बेटा, आज जल्दबाजी में कर रहा है। हाँ भाई ऑप्शन तो लिख लेते हैं, मुझे चाह रहा हूँ B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू E। तीसरा ऑप्शन है B मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। ये ना चार ऑप्शन देखे ना, मुझे शायद दिखाई ना दे रहे हो यहाँ से। E must be equal to VB, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपने बोला कि सर अगर E पैरेलल है और B पैरेलल है, इससे तो आप बोलते हो कि B कभी भी अनचेंज जा ही नहीं सकता। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रखूं, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रखूं, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट कर देगा, मतलब ये वाला ऑप्शन से मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने बोला बी परपेंडिकुलर टू ई, बी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ई होनी चाहिए। आपने बोला भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बी है,
ठीक है, इसमें ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ढूंढो जिसमें ये नॉन जीरो हो जाए। हाँ भाई ठीक है, चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं अपने आप मिलेगा। बी परपेंडिकुलर टू बी, मैंने कहा सर बी ऐसा है, अगर बी ऐसा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो गया तो भी आप बोलते एक्सप्रेशन नॉन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है आया ना, ठीक है आप बोलोगे सर आई थिंक आप कोई सी भी कंडीशन उठा के देख लो, यही वाली कंडीशन मस्ट वाली कंडीशन में यही फुलफिल हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, चाहे कोई सी कंडीशन कर लो, इसके मस्ट होने से कोई जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो इसके इसके बिना भी ये काम हो सकता है, इसके बिना भी ये काम हो सकता है, इसके बिना भी काम हो सकता है, बट इसके बिना काम नहीं हो सकता। आप चारों ऑप्शन उठा के देखो, हाँ भैया हमने मस्ट समझ वाली कंडीशन देखनी है। मस्ट वाली कंडीशन का मतलब है कि सर ये अगर पैरेलल टू बी है, क्या पैरेलल टू बी होना कंपलसरी है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल टू बी होना कंपलसरी है। वेलोसिटी सिलेक्टर में भी आपने क्या बोला था, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों कैसे हो रहे थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए थे, आया ना? यस सर, करेक्ट। तो आप बोलते हो कि सर तीनों को ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना कंपलसरी था, आप उसमें बोलो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन तो वैसे हट गए। ठीक है ओके सर, समझ में आ रहा है, आप बोलते हो कि पहला वाला कॉम्बिनेशन तो वैसे ही हट गया, और क्या बोलोगे कि सर बी परपेंडिकुलर टू बी होना कंपलसरी है क्या? मैं कह नहीं, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो भी काम चल सकता है क्या, देख लो। और कैसे बोलना, कैसे इलेक्ट्रिक टू बी समझ कंपल नहीं तभी तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्या हो गया बेटा? सर, वी परपेंडिकुलर टू बी होना कंपलसरी है ना, तभी तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अच्छा बेटा, मतलब आपसे कहने का मतलब ये है, ये भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस केस में फोर्स नहीं लगाएगा ये, इस पे सर लग सकता है इसमें भी लग सकता है ना? बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है? आप बोल सकते हो ये लग सकता है, और आप बोलते हो इस केस में आप इसे फोर्स किधर लगाओगे, इसके नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट लगा दो, इस केस में आप बोलोगे सर फोर्स किधर लगेगा? आप बोलते हो कि सर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, लगेगा कि नहीं लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगा दी तो भी नेट नेट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes or no? यस फिर से सर, देखिए, मैंने कहा इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगा दी, क्या वो उस फोर्स को बैलेंस आउट कर सकती है इस कंडीशन में कि नहीं, यस बताइए? सर, कर सकती है ना, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है तो भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है ना? यस और नो? यस सर, तो मतलब ये मस्ट कंडीशन तो नहीं हुई ना, मस्ट कंडीशन यही है, आप कोई सा भी केस उठा लो आपको वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही चाहिए होंगे, चाहे कुछ करके देख लो। ऐसा कोई केस नहीं बना सकते कि सर आप एक्सेलरेशन जीरो भी कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ना हो, कोई भी केस उठा के देख लो। सर लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सी कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। ऑप्शन देखो, उसने बोला मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी ही चाहिए कंपलसरी, एंड दैट कंपलसरी कंडीशन इज दिस, इस कंडीशन के बिना भी आप एक्सेलरेशन जीरो कर सकते हो ना, तो मस्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई ना।
कि नहीं वेलोसिटी और बी हमेशा मस्ट फ्री होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन जीरो हो पाएगा, ऐसा बोल रहा है ना वो? नो सर, मस्ट कहीं लिखा नहीं है ना, कंपलसरी कुछ नहीं ऑप्शन पढ़ लिखा। बेटा, ऑप्शन ऑप्शन पढ़ चारो, बड़ा बड़ा वर्ड में मस्ट लिखा हुआ है, यस सर। कह रहा कहीं लिखा नहीं है। गोविंद बेटा ठीक है, हाँ जी गोविंद भैया, दिखा कि नहीं दिखा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर हाँ मस्त वाली कंडीशन है भैया, चारों ऑप्शन। तो आपने बोला सारी ऐसी कंडीशन है कि जिनके बिना मैं डायरेक्टली जीरो कर सकता हूँ, इसके बिना भी, सॉरी नेट फोर जीरो कर सकता हूँ, इसके बिना भी कर सकता हूँ, इसके बिना भी कर सकता हूँ, इसके बिना भी कर सकता हूँ, जीरो यही कंडीशन है जिसके बिना आप नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसा लगेगा, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लगता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। गोविंद क्लियर हुई बात? यस सर। श्योर श्योर 110%? कोई भी डाउट हो तो अभी निकाल दो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। सर आगे बोलो सर ये डाउट ये क्वेश्चन नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलते जाओ जल्दी जल्दी बोलो। पानी देना गरम। बेटा वेक्टर नहीं पढ़े तुमने ढंग से, तब भूल गए हो वेक्टर 11वीं में या 11वीं पढ़ाई नहीं की। गोविंद से भी नहीं पाई क्वेश्चन, क्यों गोविंद कह रहा हूँ? सर ये क्वेश्चन बेटा अभी हम अभी अभी मैं गोविंद बेटा जिसका सलूशन बताऊंगा ना, तब तुम बोलोगे कि सर मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, है ना, क्योंकि हमने सब भूल गए 11 पढ़ा था। चलो बेटा जरा क्वेश्चन दिखा दो एक बार, डेटा नोट कर दे दो। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप, फिगर डी बनाओगे गोविंद बेटा तो ऐसे ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप, दोनों ही आई कैप है ना? हाँ मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट आई कैप, ओरिजिन से चालू कर रहे हैं पार्टिकल, मैस स्टार्ट्स मूविंग, स्टार्ट्स मूविंग मतलब विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी बी नॉट, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहती है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बिकम √5/2 बी नॉट। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, अभी आपको पता चलेगा क्योंकि आपको वेक्टर नहीं सॉल्व किए आफ्टर अ टाइम टी। चलिए इधर देखिए, आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ। अब जरा देखिए इधर, ठीक है सर, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोल रहे हो बेटा? सर इस पे इलेक्ट्रिक बोल रहे फील्ड हो? की वजह से आई फोर्स कांट लगी हियर हुई यू है। हानिया बेटा, थोड़ा क्लियर बोलो या तो आपका माउथ भी थोड़ा एडजस्ट करो, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स नहीं लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा ही नहीं, सर उसके परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर है तो फोर्स नहीं लगता, ये किसने बोला बेटा? ये किसने बोला? ये चार्ज, एक सेकेंड, ये चार्ज ऐसा चला जा रहा है बी स्पीड से, ये है तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा ना, क्यू इंटू ई। ये कौन बोला कि फोर्स नहीं लगेगा? चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फोर्स कब से इफेक्ट करने लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी से कोई इफेक्ट नहीं करता बेटा, ये चार्ज की वेलोसिटी जीरो भी होती ना तो भी इस पे फोर्स लगता है क्यू इंटू ई। ओके सर, है ना? आप बोलते हो कि सर मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लो, आप मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो है ये इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर पाएगा,
यहाँ पे सुनना, मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, इसमें किसी को आपत्ति हो तो बता दो। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हो तो। अरे हाँ नमस्कार। ऐसे बोलिए। चलिए आप देखिए, आप इसको जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। कहने का मतलब है कि सर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसको सिर्फ ऐसे सर्कल में घुमाता रहेगा ऐसा, ठीक है, वाई जेड प्लेन में। इसकी स्पीड को कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब इसकी स्पीड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जी बनी रहेगी, यानी बी नॉट आपने बोला, लेकिन साथ ही साथ इस पे एक फोर्स लगने लगेगा एक्स डायरेक्शन में। ये इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन मास, दैट इज क्यू ई बाय एम। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि सर जो जे डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये वाली, इसमें मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये वाला कंपोनेंट चेंज करना पड़ेगा जो इधर की डायरेक्शन में। इधर की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। इधर की डायरेक्शन में एट एनी इंस्टेंट टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू प्लस एटी लिखते हो ना, तो ये तो जीरो ही है, दैट इज क्यू ई बाय एम इंटू टी। आप इसको ऐसे बोल सकते हो आई कैप में चला जाएगा ये, ठीक है। तो किसी भी टाइम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये जिसकी वजह से v नॉट स्पीड होगी, ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा ये। आपने बोला इन दोनों कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए मुझे, इतना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, आप बोलोगे v1 प्लस v2। V1 की वैल्यू फिक्स रहने वाली है, दैट इज V0, ये चेंज नहीं होने वाला है। V2 ये चेंज हो रहा है, जीरो था इस डायरेक्शन में, पढ़ना चालू किया, इनका रिजल्टेंट पता क्या होता है? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू √5/2 V0। ऐसे ही लाना है। हाँ भैया, V1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है V0 है, तो आप बोलोगे सर √V0 स्क्वायर प्लस V2 ये है QE by M into T, इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है? √5/2 V0, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा V0 स्क्वायर प्लस QE by M into T स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 5/4 V0 स्क्वायर। यहां से T निकाल लोगे भाई, आया ना? किसी को कोई परेशानी? वैसे बता दे रहा हूँ टी क्या आएगा, यह आएगा V0 स्क्वायर इंटू एम बाई क्यूई, सबका स्क्वायर है, ये आएगा अपॉन 4 और आएगा। अंडर रूट ले लो, यू विल गेट द आंसर। आप बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? एनीवन बताइए कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? क्या हुआ बेटा? वी का दूसरा कंपोनेंट लिया है वो वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला कंपोनेंट नहीं समझ आया? दूसरा मतलब कौन सा? QE अपॉन MT आई कैप वाला। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस डायरेक्शन में इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो हाँ। यस सर। इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ेगी, जीरो थी ना, इस डायरेक्शन में तो कोई स्पीड थी नहीं पहले, तो इनिशियल स्पीड कितनी थी? जीरो। अब आप बोलोगे टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू प्लस एटी, ए की वैल्यू कितनी होगी? क्यू ई बाय एम, और टी टाइम में तो आप बोलोगे क्यू ई बाय एम हो जाएगा ना ये, और जो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट किसी भी टाइम टी पे कितना हो जाएगा? क्यू ई बाय एम इंटू टी आई कैप। यस और नो? यस सर। क्लियर है कि ऐसे यस बोल रहे हो? हो गया सर क्लियर।
क्लियर हो गया? आप इसको वेलोसिटी की तरह नहीं सॉल्व कर रहे थे, आप इसको स्पीड की तरह सॉल्व कर रहे थे, मैग्नीट्यूड की तरह। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ गोविंद भैया कुछ बोलेंगे? मुंह छुपा के बैठ गए। सर समझ नहीं आ गया। समझ नहीं आ रहा? आ गया। आप समझ में आया आप क्या कर रहे थे बिना सिर पैर की बातें? अरे सर इसमें स्पीड हो गया था तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं वेलोसिटी मतलब आपको बोला गया ये फाइनल स्पीड का मैग्नीट्यूड है, आप तो भाई साहब उठा के सॉल्व करके इसी की वैल्यू मैग्नीट्यूड की स्पीड की वैल्यू रख दी, ये वाले कंपोनेंट की तो बात ही भूल जाते हो भाई, है ना गोविंद? सर अब याद रखूंगा। हाँ जी याद रखना चाहिए। चलिए और बताइए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वगैरह में कितने बार किया हमने, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी अलग निकलती है वाई की निकलती है, एक्स वाला चेंज ही नहीं होता है, वाई में चेंज होता है, तो नेट वेलोसिटी निकालते हैं दोनों का कि नहीं निकालते हैं? तो ये भी तो ऐसा ही है, एक कंपोनेंट फिक्स है दूसरा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, नेट स्पीड तो भाई दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट की वैल्यूज निकाल के निकालेंगे ना। हाँ जी चलिए और कोई डाउट? सर चैन का क्या है? हाँ भाई चैन का मुझे इतनी उम्मीद थी 6% पर भी गिरोगे जरूर। हाँ बेटा चैन का जरा डाउट बताओ, इसमें क्या डाउट है? सर सर अभी आपने कहा ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है। हाँ मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर से रिपीट करो अपना स्टेटमेंट। सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कौन बोलता है वेलोसिटी चेंज नहीं होती? कोई करेक्ट करेगा इसको? सर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, स्पीड स्पीड चेंज नहीं होती। कहने का यस सर। अब स्टेटमेंट फिर से बोलो, क्या बोला था मैंने? सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, है ना? और आपने कहा कि लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज हो जाएगा अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, ऐसे ही तो आया आपके दिमाग में? यस सर। क्योंकि आपके दिमाग में क्या था? वेलोसिटी। मैं कहता हूँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। जल्दी समझ में आ गई? यस सर। ऐसे क्वेश्चन नीट में बड़े आराम से आएंगे, ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कंसेप्चुअली गलत है बस, एक छोटी सी कंसेप्ट जो आपके दिमाग में गलत बैठी है। सर एक बार ये भी बता दो, हम वो बता दो ये आवाज करते हैं सर, एक बार ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बहुत लंबी था। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सुने तो, अरे सब सब एक साथ शेयर कर दो, है ना? कितनी चाय निकाल रही है सर? मैंने पहले किया। अरे एक बार डिसाइड कर लो चैनिका, तुम अपना क्वेश्चन शेयर करो, मैं अभी तुम्हारा ओपन करके बैठा हुआ था। अच्छा सर एक सेकंड, मालती देवी गुप्ता को वेट करने दो। बंद कर दिया क्या तुमने? सर कर दिया। हाँ भाई साहब इसमें बताओ दिक्कत क्या है? सर इसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा तो सलूशन भेजो मुझे, आंसर की गारंटी नहीं लेता हूँ, आंसर नहीं आया तो सलूशन भेज नहीं होता, तब बताओ हमें आंसर गलती का है, कंसेप्चुअली कोई चीज समझ नहीं आई तो बताओ। हाँ भाई और किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सर मेरा भी गलत आ रहा था आंसर। आंसर गलत आ रहा ना, सलूशन भेजिए आपको मैं गलती बताऊंगा। सर इसमें फ्लक्स डेंसिटी लिखा है तो उसमें हम फ्लक्स अपॉन एरिया करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एरिया, एरिया का एक पॉइंट पे निकाला बेटा, कैसे एरिया निकालोगे तुम? एट पॉइंट ओ सेंटर पे पूछा ना? यस सर। तो एरिया कहां से लोगे उस पॉइंट का? इसका मतलब आपको वहां पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी निकाल के देनी है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी,
कम होगी तो कम होगी, क्योंकि पॉइंट को निकालने को बोला ना उसने, एरिया तो नहीं, तो उस पॉइंट को क्रॉस करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ही आप फ्लक्स बोलो फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा उस पॉइंट पे। सर मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ए और बी की वजह से। बस 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 ओके सर। सर आप करूं? हाँ बोलो गुप्ता जी। सर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ रहा है और हो भी नहीं रहा था मेरे से। अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल 500 केवी मूव्स थ्रू अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.51 टेस्ला एज शोन इन फिगर। The angle theta through which the proton deviates from the initial diagram. Its motion is. बस ये बताना था। सर इसमें कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर। हाँ और क्या? सर लेकिन फिर भी लेंथी हो रहा है। देखो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन ये थी ना, अगर वेलोसिटी यहाँ निकली है तो आप परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। आप इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल देखो थीटा, इसका मतलब वेलोसिटी के बीच का एंगल भी कितना चेंज हुआ थीटा। अगर कोई चीज ऐसे जा रही है और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, अगर वो परपेंडिकुलर लाइन थीटा से रोटेट हुई है तो ये वेलोसिटी भी थीटा से रोटेट हुई है, और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना होता है डी बाय आर। अब इसमें क्या करूं मैं सर, कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है, आप एक बार करके बता। कैलकुलेशन की मैं हेल्प नहीं कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। सर कॉन्सेप्ट मुझे भी पता है। डी की वैल्यू बताइए जरा, क्वेश्चन दिखाई हो प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल, डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या है 10 की पावर माइनस 1, आर इज इक्वल टू होता है √2 mk। सर 10 की पावर माइनस 1 क्यों लिया? क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, तो सर 2 लेंगे ना। क्या लेंगे? माइनस 2। बेटा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ओके सर ठीक है। आप बोलोगे 500 किलो वोल्ट है, प्रोटॉन दे रखा है, अच्छा प्रोटॉन का मास बेटा, इसके स्टैंडर्ड एक कैलकुलेशन होती है वो आपको याद नहीं पड़ेगी, आप जब वो पढ़ोगे ना न्यूक्लियर वाला ये इसको है ना सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है, कैलकुलेशन पड़ेगी इसमें, आई एम सॉरी फॉर दैट, कांट डू एनीथिंग। थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी इसमें, कुछ नहीं कर सकते। चलिए और बोलिए, हालांकि थोड़ा सा आप अगर हेल्प कोशिश करना वैल्यू को तो थोड़ी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, या 2 इनटू मास की वैल्यू कितने रखोगे 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 27 80 किलो वोल्ट राइट, कितना था 500 किलो वोल्ट राइट, तो 500 इनटू 10 की पावर 3 अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी थी 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 और बी की वैल्यू थी 0.51। अप्रोक्सीमेशन लेके थोड़े कैंसिल आउट करने पड़ेंगे ठीक है, वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने के चक्कर मत पड़ो। सर 500 का जीरो 1.6 बात करो से 7 लिखा √2 बार कि 7 जो 14 है। अरे इसको तो देखो कुछ नहीं करो, ये तो पावर ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन, वो 1000 बन जाएगा ठीक है, 1000 और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 हो जाएगा 10 की पावर 6, और इसके साथ ऐड कर दो
10^-27। अरे आ जाएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। देखो भाई साहब, बहुत बड़ा डिफिकल्टी बनेगा ये। 2 × 5000 × 10^6, 1.6 × 10^-27 × 10^6। मैं कहता हूँ इसको कर दो 1.16 और इसको कर दो 28। ये देखो 16 का रूट लोगे तो आएगा 4, 10^-28 और 6 हो गया -22। उसका रूट ले लोगे तो आएगा 10^-11 और नीचे कितना आएगा 16×5 = 80। तो 1.6 × 0.5 लगभग लगभग कितना हो जाएगा 0.8 × 10^-19। क्या बच रहा है बेटा, ये देखो लगभग लगभग 0.2। ये पावर सॉल्व करनी है, क्या इसमें कैलकुलेशन आई बेटा, ये 0.2 पर चला जाएगा। 10^ सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। बस 10^ में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, ये ध्यान रखना। हाँ भाई हो पाएगा सर? हाँ सर, जो आपने सेकंड फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखी है √2m के, तो सर वहाँ पे k का मतलब तो qv होगा ना, तो सर इसमें 4 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटॉन की। एक सेकंड रुको, हाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और तो बार नहीं हो जाएगा ना। लो भाई q into v रखोगे, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये q square हो जाएगा, एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सही कह रहे हो आप, गेटिंग माय पॉइंट। ये नीचे वाला q उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, अंदर लेके जाओगे तो q square हो जाएगा, b को यही रहने दो, तो यहाँ नीचे बचेगा रूट में, ये रूट में ऐसा रहेगा, ठीक है। अगेन इसको बाहर लेके आओगे और पावर कम हो जाएगी, तभी जाके सॉल्व होगा, हो जाएगा कि कर दूं अभी भी? हो जाएगा सर, सर आप कर लेंगे, कर लोगे मेरे हिसाब से, बट फिर भी मैं कहूँ देना। टू मास की वैल्यू है 1.6 × 10^-27, इसको यहाँ 16 लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पे पावर कर रहा हूँ 10^-28, ठीक है। इनटू क्यू इनटू बी, क्यू को यहाँ से क्यू स्क्वायर से काउंट कर तो बी की वैल्यू आएगी 500 × 10^3। यहाँ पे बचेगा रूट क्यू मतलब 1.6 × 10^-19 और बी की वैल्यू है 0.51, ये रूट में है सब। 2 × 500 मतलब हो गया 10^3, 10^3 और 10^3, 10^6 और -28 मतलब 10^-22, उसका रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 4 × 10^-11। नीचे क्या बचेगा मेरे को, इसको लिख सकते हो 16 और इसको लिख लोगे 20, तो इसको रूट लोगे तो लिखोगे 4 × 10^-10 × 0.51। 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो r की वैल्यू जो आएगी वो देखो कितनी आएगी, मतलब लगभग ये 10^ ऊपर जाएगा तो ये आएगा 10^-1/0.5। 0.5 मतलब कितना हो गया 1/2, ये 1/2 यहाँ, तो ये 2 पर चला गया, ये आ गया 2, ये आया। देखो r की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10^-1, आपको किसमें लेना था, इसमें रखनी थी d बाय r, तो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू है 10^-1, r की वैल्यू आई 2 × 10^-1, साइन थीटा इज 1/2, थीटा की वैल्यू आ गई कितनी 30 डिग्री, दैट इज योर आंसर। कैलकुलेशन कितनी टफ थी बेटा, वैल्यू पुट करके देखो, थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन लेना सीखो यार। सही आंसर गोविंद? यस सर, कर लूंगा। ओके बेटा, हमेशा ऐसे ही होता है तो कैंसिल आउट हो रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें ज्यादा। चलिए और बोलिए सर, आप नहीं हटाओ सर, एक यस सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए, फरमाइए। नहीं वैसे हमारी क्लासेस बहुत कम लग रही हैं आजकल, हम ज्यादा बातें नहीं कर पा रहे, तुम लोग पीछे भूलते जा रहे हो।
a charged particle moves in a uniform magnetic field. The velocity of the particle at some instant makes an angle, acute angle with the magnetic field. The path of the particle will be. क्या बताऊँ उसमें? सर इसमें हेलिक्स होगा ये तो. हाँ. सर इसमें हेलिक्स तो होगा. हाँ पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पिच बी पैरेलल इनटू टी ऐसे क्या होता है? यस सर. बी पैरेलल मतलब बी कॉस थीटा आ जाता है लगभग लगभग और टी आ जाता है साइड से टू पाई एम बाई क्यू बी या क्यू बी बाई टू पाई एम कितना आता है? 2 पाई एम बाय क्यू बी. इसमें कौन सी चीज है जो टाइम पे डिपेंडेंट है? सारी चीजें कांस्टेंट है कि कोई चीज चेंज हो रही है टाइम के साथ? सर कांस्टेंट. कांस्टेंट है. तो फिर पिच कैसे होगा? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. हाँ भाई ओके डाउट क्या हो गया चैनिका? ये सर हो गया. हाँ और कोई? नो सर. सर एक डाउट है मेरा. हाँ जल्दी जल्दी किसका वेट कर रहे हो? एक मिनट सर. एक मिनट और लेगा? एक मिनट तो लोग तैयार हो जाते हैं शादी के लिए. जल्दी करें. अरे ये बच्चा भी पढ़ता है यहाँ? क्या अचानक से अवतरण हुआ इसका? क्यों सुंदरियाल? क्या ओपन कर रहा है ये? सर ये रहा डाउट. हाँ बताओ क्या बताओ इसमें? आई एम इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सुटेबल माइनस सो दैट द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज जीरो. हाँ बताओ इसमें क्या डाउट है? इन वाले क्वेश्चंस का ना कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. मैं इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पर मतलब वो करे तो मुझे समझ नहीं आया. कोई से क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे ऐसे. बेटा इसका मतलब वेक्टर फॉर्म वगैरह आपको सॉल्व करने नहीं आई. देखो फिगर बनाया था बेटा. क्यों सुंदरियाल बेटा फिगर बनाया था? सर मैंने बताया था मेरे को इसके क्वेश्चंस को समझ नहीं आया. इस टाइप इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे तो फिर भाई साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ में नहीं आ रही. इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ मूव कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ लगी हुई है. फोर्स निकालो इधर की तरफ लगेगा. आपने बोला देखो लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ चार्ज अगर इधर की तरफ होता है मूव कर रहा होता है तो फोर्स लगता है बाहर की तरफ. अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो यस सर. मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था? जरा बताना सर. इलेक्ट्रिक फील्ड सर दोनों है. दोनों है. पहले किसकी डायरेक्शन पूछी है? कौन सा लग रहा है? किसी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस में कौन सी दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है या मैग्नेटिक फील्ड? एक मिनट सर. है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वाई एक्सिस में. नेगेटिव वाई एक्सिस में. हां इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे पता है फोर्स कितना लगता है? क्यू इनटू ई लगता है चार्ज पे फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज हो और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है क्यू इनटू ई. आपको बताना है कि सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पे किधर लगे नीचे की तरफ. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बताना है. मतलब फोर्स डायरेक्शन आपकी इधर आनी चाहिए. आपने बोला देखिए चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये रहा. फोर्स लगाना है आपको नीचे की तरफ है ना. मैग्नेटिक फील्ड किधर आया? बाहर की तरफ. अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर मूव कर रहा होता मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता तो फोर्स इस पे नीचे होता.
लेकिन यहाँ चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी जाती है रिवर्स, है ना। तो आपको तो किधर निकालना है, नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे ऊपर की तरफ निकालोगे तब नेगेटिव वाले पे नीचे की तरफ नहीं गया, मतलब मुझे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है ऊपर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसी चाहिए अंदर की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा होता है, फिर से सुनो, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर ज्यादा होता ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होता तो उस पर फोर्स लगता ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग जाएगा नीचे की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स किधर लग जाएगा नीचे की तरफ, मतलब आपको ये वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इनवर्स मतलब क्या हो गया, नेगेटिव के एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, आप बताओ इसमें क्या डाउट है। तो सर इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग? बेटा न्यूमेरिकली कोई सॉल्व नहीं है, यही है जो कुछ है। नहीं सर उसमें नीचे ने सॉल्यूशन भी दिया था, वो न्यूमेरिकली सॉल्व हुआ था। अरे उसमें सॉल्यूशन दिया था उसको, इसमें कोई दिक्कत है तो बोल। ये तो समझ में आ गया, बस यही आंसर आपको हमेशा ऐसे ही पिक करना है, किसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया उन्होंने। अच्छा उन्होंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, बस आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा दिया होगा उन्होंने। ओके सर एक और डाउट है। हाँ जी पूछिए। एक मिनट, तू इतने दिनों से सारी क्लास अटेंड करा था फिजिक्स की? यस सर। देखो आवाज तो एक भी नहीं आई तेरी सर, लाइक नहीं करता था ना। बहुत अच्छे, हाँ भाई सर ये वाला कौन सा वाला ओपन तो नहीं थे, क्या बताऊंगा इसमें बेटा सर इसमें एक मिनट, रेडियस का फॉर्मूला ही तो लगाना है इसमें, आर इज इक्वल टू एम वन बी वन बाय क्यू वन इंटू बी वन। सर एक बार करके बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा इसको बेटा, इसमें क्या करके बता दूं, आपको अलग अलग दोनों के मासेस का रेशो निकालना है, वेलोसिटी का रेशो निकालना है, कुछ दे रखा है, चार्जेस का रेशो पता होगा, क्या देखा क्वेश्चन देना है, ओपन करो जरा। आपने बोला है प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलोगे सर आर इलेक्ट्रॉन और आर प्रोटोन का रेशो निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो सर दोनों के लिए सेम है ना। दूसरे केस के लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्यू ऑफ प्रोटॉन इनटू बी, बस ये वैल्यू रखते चले जाओ आंसर आ जाएगा। समझ देख लो, समझ गया सर, समझ गया। क्या मतलब उसमें हां सर, ये क्वेश्चन भी है, a particle of mass m and charge q moves with a constant velocity v along the positive x direction, it enters a region containing uniform magnetic field b directed along the negative x direction, extends from x equal to a to x equal to b, the minimum value of b required so that the particle can just enter the region x greater than b, notes mein karaya hai beta ye wala question hai, haan ji maine wahan pe condition nikali thi ki nahi enter kare, wo kar diye, isme enter kare to bas equal to ka antar aayega bas। ओके हाँ सर एक और था, याद दिला दे रहा हूँ, ऐसा था ये मैग्नेटिक फील्ड, आपने बोला कि सर ये ऐसे एंटर कर रहा है, आपने बोला कि सर ये यहाँ से वापस आ जाए, तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस है इस डी, डी शुड बी ग्रेटर देन आर ताकि ये यहाँ पे एंटर ना करे, इस केस के लिए क्या होना चाहिए, डी शुड बी लेस देन आर हो जाएगा ताकि ये यहाँ पे एंटर कर जाए, बस ये वाला नोट तो कराया हुआ है। सर एक और क्वेश्चन था, एक मिनट, सर ये वाला इसको जूम करो थोड़ा सा, ऐसा जूम करो थोड़ा, जूम नहीं होता बातें कर रहा है। यस सर अरे
मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर आई. अगर एक करंट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है भूल गए सब कुछ, तो जो आई की वैल्यू आती है वो आती है क्यू अपॉन क्यू इंटू एफ, क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे हमने बताया कि अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है क्यू इंटू एफ. करंट की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है. ओके सर, एक और था. हाँ जी बोल बोल बोल, सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर. बच्चा ही तो सर ये वाला चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू में दो लॉस क्या करूं इसमें बेटा, फोर्स होता है क्यू इनटू बी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता इसका मतलब बेटा बी की वैल्यू रखी है और बी की वैल्यू रखी है क्रॉस प्रोडक्ट ही तो चाहिए. A क्रॉस B, I कैप और J कैप के फॉर्म में. नहीं सर एक मिनट, ये वाला ये वाला ऐसे ये वाला फिर से आप भूल गए भाई साहब. फिर से लेफ्ट हैंड रूल आपका पता है क्या दिक्कत आ रही है, आपको फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का कंसेप्ट द्वारा पढ़ना पड़ेगा. फोर्स की लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं आ रहा बेटा. मैम बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई करे इसके ऊपर, एक भी नहीं हुआ मुझसे. नहीं आप थ्योरी पढ़िए दोबारा से, आपको या तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना नहीं आ रहा है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, तो एक बार दोनों में दिक्कत आ रही है. हाँ बहुत बहुत, तो वो उसके लिए आपको दोबारा करना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते. सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है. आप लेफ्ट हैंड रूल का दोबारा से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करें, अपने आप हो जाएंगे सारे क्वेश्चन. ओके सर हो गया मेरे क्वेश्चन कम्प्लीट. हाँ चलिए, और किसी कोई डाउट? सर एक डाउट है. हाँ हाँ बोलो बोलो जल्दी, वेट नहीं करो किसी का, पूछते जाओ. सी वाला फिफ्थ, अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ 10 टर्न्स ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, देयर रेडियस आर 20 एंड 40 सेंटीमीटर, दे कैरी रिस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.3 एम्पीयर करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड. क्या बताऊं बेटा इसमें? सर इसमें मेरा आंसर ए आ रहा है. सॉल्यूशन भेजो अगर आंसर गलत आ रहा है तो. वेट क्यों करते हो आप, अपना सॉल्यूशन बना के भेज दिया करो ना. सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, आपने वैल्यूज किया तो गलती पुट की होंगी, हो सकता है आंसर भी गलत हो सकता है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो. टेल मी द सॉल्यूशन. ओके सर. सर वैसे इसमें वो म्यू नॉट आई बाय टू आर की तरीके से ही तो करेंगे ना? हाँ म्यू नॉट आई बाय टू आर, हाँ और कोई ऑप्शन नहीं है. यस आई और आर अलग अलग होगा बस दोनों कॉइल्स के लिए. आई और आर अलग अलग है, करेक्ट. ओके सर और कुछ भी नहीं है उसमें. एनी अदर डाउट किसी और को? आगे बढ़े. यस सर. चलिए गोविंद के डाउट होते रहे तब तक टाइम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा कटता है. किसी और के डाउट होने लगे तो गोविंद को लगता है कि यार टाइम खराब हो रहा है ना. गोविंद? यस सर. यस सर. चलिए हाँ भैया, तो हमने बात की थी आई गेस सोलेनोइड वगैरह की बात हो गई थी, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं. मैंने कहा इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर इसमें करंट आ रहा था आई, आप बोलोगे इस पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे था, आप बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? मैग्नेटिक फील्ड नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर.
म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई आर. वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. चलिए अगर अब ये इनफाइनाइट वायर नहीं होता सर, एक डाउट है. अभी एक रह गया किसी का. जो आपने लिखा है सर, आपने लास्ट क्लास में मतलब बताया था कि जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियली लेंगे. एक सेकंड, कौन से कर्ली केस की बात कर रहे हो? सर्कुलर कॉइल में? नहीं सर, ये जो आपने ऊपर लिखा है इसमें. यस सर. हाँ, डीएल वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं. हाँ, सर आपने मतलब वो भी तो कहा था कि डीएल वेक्टर और बी वेक्टर. एक हाँ, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना. सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये कहा था ना कि डीएल वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है. वो जब आप एम्पियर सर्किट का लॉ ले रहे होगे उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैंने ऐसा कहा था. ओके सर, तो मतलब वो डीएल एलिमेंट. वेट आप जब इसमें डी और डीएल बोल रहे हो ना, है ना, वो डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट नहीं है बेटा. वो डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट नहीं है. वो ये जो लूप आपने एम्पियर लूप किया है उसका लेंथ वेक्टर है ये. ओके सर, दैट डीएल वेक्टर और दिस डीएल वेक्टर आर टू डिफरेंट डीएल वेक्टर, राइट सर? आप अभी इस लेंथ की बात कर रहे हो, ये जो एम्पियर लूप लिया आपने. जब आप इस करंट वेक्टर की बात करते हो तब आप यहाँ इसके एलिमेंट की बात करोगे. आपको किसका एलिमेंट लेना है यार? एलिमेंट तो मैं किसी का भी ले सकता हूँ ना, छोटा सा लेंथ एलिमेंट. जब मैंने इसकी बात की होगी तो इसका डीएल वेक्टर लिया होगा. जब मैंने एम्पियर सर्किट का लॉ लगाया होगा तो जो लूप मैंने अज्यूम किया होगा उस लूप का डीएल वेक्टर लिया होगा. आप दो अलग अलग चीजों को एक ही उसमें कंबाइन कर गए. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाँ गुप्ता जी, सर कोई डाउट नहीं, समझ गया. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. जब मैं इसका एलिमेंट ले रहा था तो मैं डीएल वेक्टर इसके एलिमेंट की बात कर रहा था, तब ये बात ही नहीं थी. यहाँ पे लूप था ही नहीं तब एम्पियर सर्किट लॉ. जब एम्पियर सर्किट लॉ आया तो अगर मैं इस चीज का डेरिवेशन कर रहा था तो मैं कौन सा एलिमेंट ले रहा था? ये वाला. इस लूप का जो मैंने इमेजिनरी लूप माना है उसकी लेंथ वेक्टर की बात कर रहा था, तो वो तो मैं इस लूप के अलोंग ही लूंगा ना लेंथ का, है ना? तो टेंजेंशियल होगी ना उसी डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस डीएल वेक्टर एंड दिस डीएल वेक्टर आर टू डिफरेंट वन, डोंट कंबाइन देम. डीएल वेक्टर होता है लेंथ वेक्टर, वो तो आप कभी भी किसी का भी ले सकते हो ना, जिसकी लेंथ की बात कर रहे हो आप. जब मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ डीएल वेक्टर तो इस लेंथ वायर की बात कर रहा हूँ. हाँ भाई चलिए, मैंने कहा जब इनफाइनाइट था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी. अगर आप बोलते हो अभी इनफाइनाइट वायर नहीं है, अभी इनफाइनाइट वायर नहीं है, तब इस पॉइंट पर निकालना है. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना. हाथ इस पॉइंट को हम दोनों एंड से ज्वाइन कर देंगे. ये ऊपर की तरफ अल्फा मेजर करेंगे, ये नीचे की तरफ बीटा मेजर करेंगे. ठीक है, आप बोलोगे इस केस में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट. हाँ बात है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला रहेगा. कम पूछा जाता है बट कभी कभी पूछ दिया जाता है. आपके टेस्ट सीरीज वगैरह तो बड़े आराम से पूछा जाएगा. इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपके लेवल पे आपके फॉर्मूला ही काफी है. फिर से देखिए, अगर ये इनफाइनाइट नहीं है, ये नॉर्मल वायर है, फाइनाइट वायर है, किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होनी चाहिए. ऐसे डिस्टेंस में मेजर कर लेना सर, यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ली जाती है. और ये जो लाइन है, ये लाइन अगर इस वाली लाइन से एंगल अल्फा इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर की तरफ एंगल आ रहा है अल्फा और नीचे वाली डायरेक्शन में आ रहा है बीटा,
क्योंकि डेरिवेशन करते टाइम इन डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, तो ऊपर डायरेक्शन में अल्फा होगा, नीचे डायरेक्शन में बीटा होगा, तो ये फॉर्मूला बनता ही है म्यू नॉट आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन 4 पाई आर। आप जरा देखो इसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दो, इनफाइनाइट में जब कन्वर्ट करोगे तो ये दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी, इनफाइनाइट में जाके कनेक्ट होंगी, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा और ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा, और अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इस वाले केस में अगर मैंने इस वाई को इनफाइनाइट कर दिया तो अल्फा मतलब क्या हो गया सर, इस वाले एंड को कनेक्ट करना है, कहां जाके कनेक्ट होगा इनफाइनाइट, मतलब लगभग लगभग पैरेलल लाइन चली जाएगी, ये वाला भी कहां जाके इनफाइनाइट में कनेक्ट होगा तो ये भी पैरेलल लाइन चली जाएगी, है ना, कोई चीज इनफाइनाइट में जाके मीट करती मतलब पैरेलल लाइन हो गई। आप बोलोगे अल्फा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो साइन 90 साइन 90 कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 इज 2। देखिए वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आ गई कि नहीं आ गई, नहीं कोई दिक्कत कोई आपत्ति, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, किसी को ब्लर आ रही है स्क्रीन, किसको आ रही है सर, क्लियर है आकिब सैफी, प्लीज अगर आपको आ रही है तो नेटवर्क चेक करें, नहीं तो रीजन मार लें जल्दी से। हाँ भाई आज गोविंद ने बोल दिया क्लियर है तो मतलब अब तो अनक्लियर हो ही नहीं सकती। हाँ भाई ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, चलिए मैंने कहा और केसेस बनाते हैं इसमें, इनफाइनाइट वाला तो यहां से आ गया, आप बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वाला है, अब आप बनाओगे सेमी इनफाइनाइट वायर, इसका मतलब होता है कि एक एंड पे तो ये इनफाइनाइट होती है और एक एंड पे आपका ये वाला पॉइंट यहां पे निकालना है, तो ये वाला पॉइंट तो आपका यहीं पर है और ये वाला पॉइंट आपका इनफाइनाइट पे जाके टच होगा, यानी इसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। करंट की वैल्यू अभी भी आए, जरा बता दो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, एनीवन सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और चार बार अपॉन बोल, चार बार, एक बार ऊपर की क्या चीजें बोल और एक बार नीचे की बोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। देखिए भाई आप बोलोगे सर इस केस में इसी की वैल्यू देखो, अल्फा कहाँ जाके कनेक्ट होगा इनफाइनाइट में, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे 90, और बीटा क्या होता है ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो और इसको एंड से जोड़ने वाली लाइन है वो उनके बीच का एंगल, ये दोनों ही लाइन यही आ गई ना, ये वही लाइन का पॉइंट कहाँ पर गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0। तो आप बोलोगे सर इस केस में अल्फा तो 90 डिग्री है और बीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 0, तो आंसर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये रात याद रखने रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और दे दूं, सर? हाँ जी बेटा, सर इस वाले केस में हमने बिल्कुल एंड से क्यों लिया सर, थोड़ा ऊपर से नहीं जैसे पॉइंट, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि एक साइड से तो फाइनाइट है, ठीक है, आप अगर ऊपर से लेते तो कुछ एंगल आ जाता, उससे भी आप कर सकते हो, बट सेमी इनफाइनाइट वायर को हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड कि एक एंड पे निकालते हैं और दूसरा एंड इनफाइनाइट होता है, अगर हम ऊपर नीचे नहीं लेते तो वो एंगल देना पड़ता, वो भी आप कर सकते हो, बट जनरली सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे ही पूछा जाता है, ठीक है, ओके सर। चलिए ये एक वायर है, पॉइंट यहां है, ठीक है, वायर है पॉइंट यहां है, सच दैट क्लियर,
और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस दे रखी है r। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे ए पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसे तो क्वेश्चन पता है कैसे दिया जाता है, चलो ऐसे ही। हाँ जी एनीवन सर, म्यू नॉट आई इनटू रूट थ्री अपॉन 16 टाइम्स ऑफ पाई। म्यू नॉट आई रूट थ्री, रूट थ्री अपॉन 16 टाइम्स ऑफ पाई, 16 पाई है ना? यस सर, लग तो कुछ है। एनीवन एल्स सर? म्यू नॉट, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर ब्रैकेट। बेटा तेरा आर तो गायब ही हो गया, पता नहीं गोविंद आर तो आई नहीं। हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सर, उसमें आर और होगा नीचे सर, आर और होगा नीचे। आप दूसरे को बोल रहे थे? हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बेटा, आई बाय आर सर ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय 2, अंडर रूट और 3 माइनस 1 By two. हाँ जी सर। चलो पहले इसी से बात कर लेते हैं। गोविंद क्या क्या तूने बेटा? सर मैंने साइन 120 प्लस साइन 60 किया है। साइन सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। एक सेकंड, एक सेकंड, एक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन 120 प्लस साइन 120 प्लस साइन 60। यस सर। कैसे किया बेटा? सर एक्चुअली मैंने थोड़ी गलती तो मैंने कर दी है सर, जो आपने एंगल बनाना सर, ये तो 60 डिग्री, ये पूरा एंगल है, मैंने ड्रॉ करने में गलती कर दी। आप जरा देखो आंसर में चेंज हो रहा है आप लोग। सर अब आंसर चेंज होगा? हाँ चेंज हो गया, चेंज बताओ सर। अब आंसर होगा साइन 120 प्लस साइन 30। यस सर। पहले तो यार ये बता तेरा वन ट्वेंटी सेकंड वाला ये अभी बता देने को। देखिए भाई फिर से क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा सर ऐसा होता है, मैं इस पर लीज खाना डालू, ये दो एंड है, कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लो, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे ऊपर की तरफ एंगल अल्फा और इससे नीचे की तरफ एंगल बीटा कहलाता है। ड्रेस की बात करो, ये है आपका वायर, ठीक है, आप बोलते हो इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये वाला ये डिस्टेंस तो वही परपेंडिकुलर वाली लाइन, और इस वाले पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये एंगल हो गया अल्फा, पर अल्फा की वैल्यू मुझे सीधी सीधी 60 डिग्री दिख रही है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है,
ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ एंगल 30 डिग्री है, बल्कि मैंने पहले बोला था डायरेक्शन का ध्यान रखना, बीटा का हां मेजर किया जाएगा नीचे की तरफ, इसका मतलब ये डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में किया गया है, तो आप बस बीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, -30 डिग्री रख दोगे, क्या रख दोगे, -30 डिग्री, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें जो वैल्यू रखोगे sin 60, क्या बोल दोगे, -sin 30 कर दोगे बस, दैट इज योर आंसर। अब जो कुछ होगा सॉल्व कर लेना, ये एक इम्पोर्टेंट केस था, ये आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। एंगल का ध्यान रखना है क्योंकि डेरिवेशन करते टाइम इसको ऊपर तरफ एंगल लिया गया और इसको नीचे की तरफ लिया गया। अगर ये लाइन में देखिए दोनों ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर अल्फा तो ऊपर की तरफ मेजर करना है, तो अल्फा की वैल्यू तो पॉजिटिव रखनी है, जैसे ही एंगल ऊपर की तरफ मेजर कर दिया बीटा का मेजरमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए था, इसका मतलब बीटा की वैल्यू -60 माइनस बीटा देना है अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है। सर अभी ने सर ने सॉल्व करने दीजिए, 120 डिग्री तो मुझे जिंदगी में नहीं आएगा, सर ने थोड़ा टाइम दीजिए। क्लियर है, चलिए एक और पॉइंट आप चाहे नोट पॉइंट की तरह लिख लिए, वायर की लाइन में कोई भी पॉइंट अगर आ जाए तो इस वायर की वजह से उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। वायर की लाइन में अगर कोई भी पॉइंट आ जाए, ठीक है, भले वो वायर पे लाई करे चाहे वायर के बाहर लाई करे, मतलब वायर की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ जाएगा, नोट पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना, तो आप बोलोगे उस वायर की वजह से वहां पर मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, वायर की लाइन में अगर कोई पॉइंट आ गया तो वहां पर मैग्नीट्यूड वायर की वजह से जीरो होगा। चलिए सर एक और, हाँ जी सर, इनफिनाइट नहीं होना चाहिए सर, फॉर्मूले के हिसाब से तो 1/0 हो जाएगा ना, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब नहीं नहीं इसे तो फॉर्मूला है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड होता है इनफिनाइट नहीं बोलते बेटा, ठीक है। तो वायर वाले पॉइंट पे आप बोलते हो कि कभी भी जो वायर करंट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने वायर की लाइन के अलोंग नहीं करता, ठीक है सर, इसमें एंगल -30 होगा ना। हाँ बेटा वो तो बता के रहूंगा ना सर, वो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके सर समझ गया। चलिए हाँ भैया, सर्कुलर कॉइल सेंटर पे कितना बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर, mu naught I upon 2 times of R। अगर इसका कोई आर्क ले लो, आप बताओ सेंटर पे क्या है, mu naught I by 4 R, क्या हो गया बेटा, कोई कुछ बोल रहा है, ये सारे रिजल्ट सर mu naught सर सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 R इनटू थीटा अपॉन 360। हाँ आप बोलते हो अगर ये आर एंगल थीटा बना रहा है सेंटर पे, केवल ये आर के इतना ही, तो आप बोलते हो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इस पे आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi के लिए इतना है, तो एक एक रेडियन के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 pi, तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा, थीटा बाई 2 pi, ठीक है। अगर थीटा वैल्यू 2 pi आ जाएगी तो थीटा वैल्यू जैसे 2 pi रखोगे, 2 pi से 2 pi क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आर्क है और सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 R इनटू थीटा अपॉन 2 pi होगा। डायरेक्शन वगैरह सेम वैसे निकाली जाएगी जैसे आपने पूरी कॉइल से निकाली थी,
डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। क्लियर है सर? इसमें थीटा रेडियन में होगा ना? क्या हो गया? थीटा रेडियन में। हाँ थीटा रेडियन में होगा बिल्कुल। हाँ भाई तो बताओ जल्दी से, अगर ये सेमी सर्कुलर वायर होगा तो यहाँ पे सेंटर पे कितना आएगा? म्यू नॉट आई बटे 4 पर 4 आर। थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे? 5। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आप थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे? 5। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। वेरी गुड। आप बोलोगे थीटा की वैल्यू कितनी रख दोगे? 5। ठीक है तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 5 से 5 कैंसिल तो याद रहेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आपको आना चाहिए। आप देखो क्वेश्चन मैं कुछ दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, लिख लीजिए रिजल्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन दे दूं। यस सर। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर। सर पहले वाले का आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर, सेकंड वाले का 0।
हाँ भाई पहले बहुत इजी है, पहले की बात कर लो जरा। आप क्या बोलोगे, ये जो वायर है, ये वाला जो पॉइंट है इस वायर की लाइन में इंप्लाई कर रहा है, मतलब इस वायर की वजह से तो यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये वाले वायर की बात करें तो ये वाले वायर की डायरेक्शन में भी यही, ये जो पॉइंट है वो इसी की लाइन के लॉन्ग है, ना तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इस वायर की वजह से। जो कुछ होगा वो सेमी सर्कुलर वायर की वजह से होगा, और उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। कोई दिक्कत किसी को? ये जरा देख लो, इस केस में हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी बनी रहे। अगर आपका कोई करंट आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और फाइनली जाके कंबाइन होके आगे निकल जाता है, ये एंगल कुछ भी बना रहा हो, ये पूरा लूप ले रहा हो, आधा आधा लूप ले रहा हो, कैसे भी हो, ये एंगल कुछ भी बन रहा हो, आप बोलोगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके। ठीक है, एंगल कुछ भी हो, ठीक है, हाँ एंगल कुछ भी हो। हाँ सर, वाई सर ऐसे कैसे होगी? मैं बता देता हूँ कैसे। ठीक है, आप कुछ मत करना, ये दो सर, ये लूप बनेंगे, दो आर्क बनेंगे, है ना, ये क्या बनेंगे, दो आर्क बनेंगे, दोनों की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक की वजह से अंदर की तरफ निकलेगी और एक की वजह से बाहर की तरफ निकलेगी। आर्क अगर एक एंगल थीटा बना रहा है तो दूसरा एंगल 2π - θ बना रहा होगा। आप करंट की वैल्यू देखो, जिसमें लेंथ जो है ना, लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इन एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही कम उसमें करंट जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, और जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो बेसिकली जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर जाएगा। ठीक है, तो आप एंगल के टर्म्स में जब लेंथ वगैरह लिखोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एंगल पे डिपेंडेंसी आती नहीं है ऐसे केसेस में। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई करना, इसकी लेंथ निकालना, ठीक है, और इसकी लेंथ निकालना। अगर आप निकालोगे तो एक की लेंथ थीटा के टर्म्स में आएगी, एक की लेंथ 2π - θ के टर्म्स में आएगी। आप बोलोगे करंट का प्रोपोर्शनलिटी भी लेंथ पर डिपेंड होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में एक थीटा ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो दो बार थीटा होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। And hence you get the answer, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगे वो बराबर आएंगे सेंटर पे। कैसे आएंगे? बराबर आएंगे सेंटर पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, चाहे एंगल कुछ भी बना रहे, एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी। सर थर्ड वाले का आंसर बताऊं? ठीक है, थर्ड वाले केस की बात कर लो, थर्ड वाला केस तो और भी इजी है। सर उसका आंसर बताऊं? नहीं मैं बताऊंगा। ऊपर वाले की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, और नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आएंगे ऑपोजिट। सिर्फ आपको दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, एक के लिए रेडियस आर होगा तो दूसरे के लिए r/2 होगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी ज्यादा आएगा मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में नेट आपका होगा। ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर वाले की वजह से जो अंदर वाला आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है। नीचे वाला सेमी सर्कल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जो है वो ज्यादा आएगी क्योंकि उसका रेडियस कम है, तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। कोई दिक्कत? हाँ भाई, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ना, आज के इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स सर, ओके सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर।